अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल जायका फूड दस्तरखान। अब मैं आज एक और रेसिपी लेकर आई हूँ जो भरवा बैंगन कहते हैं जिसको, तो ये बहुत ही मज़े की बनती है और बनाना भी बहुत आसान है। चलिए शुरू करते हैं। तो इसके लिए मैंने ये गोल वाले छोटे से बैंगन लिए हैं, जो छोटे छोटे गोलू से बैंगन होते हैं। अब इनको धो के अच्छे से एक मैंने स्ट्रेनर में रख दिया था और उसके बाद में मैंने इनको इस तरह से कट किया है। आप देख लें, एक कट ऐसे लगाना है लंबा और एक दूसरे साइड में लगाना है कट, तो ये इस तरह से हो जाएंगे। और बीच में इनको देख लें खोल के, कहीं ख़राब ना हो, तो जो ख़राब होंगे उनको निकाल देना अलग। अब चाहें तो इनकी पीछे से जो डंडी होती है उनको भी थोड़ा थोड़ा सा कट कर दें। अब ये मैंने टमाटो, एक टमाटर लिया था और उसकी प्यूरी बना ली थी, और इसमें डाल दूंगी मैं 3 चम्मच प्याज का पेस्ट और 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। 3 चम्मच प्याज का पेस्ट और 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। और ये है सौंफ पिसी हुई, 2 चम्मच है सौंफ। ये 1 चम्मच 2 चम्मच के करीब जाएगा सूखा धनिया जो होता है पिसा हुआ। सिंपल मसालों के साथ बनेगा ये। 1.5 चम्मच के करीब जाएगा नमक, टीस्पून है, आप चम्मच देख लें कौन सा है, तो वही आप क्वांटिटी रखें इस हिसाब से। 1 किलो बैंगन थे वो, और 1/4 टीस्पून जाएगी हल्दी, और 1.5 से 2 चम्मच आप जितने स्पाइसेस खाते हैं आप उस हिसाब से डाल दें। ये लाल मिर्च पाउडर है, और इन सब चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। अब मैं इसके अंदर ऐड करूंगी ये चाट मसाला है और अमचूर पाउडर, दोनों 1-1 चम्मच मिक्स कर दिया था मैंने इसके अंदर। और सॉरी, एक चीज़ और मिस हुई है इसके अंदर, मैंने अचार का मसाला होता है जो घर, किसी के घर में अचार होते हैं, तो वो भी मैंने इसके अंदर ऐड किया था, वो शायद मिस हो गया है, तो आप वो भी ऐड कर दें। 1 से 1.5 चम्मच अचार का, जो आम का अचार होता है घर में, उसे ऐड कर दें इसके अंदर, उससे ही बहुत अच्छा टेस्ट आ जाता है इसके अंदर। और ये इस तरह से भरूंगी मैं इन सभी बैंगनों को, एक साइड से और फिर दूसरी साइड से, जैसे कट मारे थे इसी तरह से सभी बैंगन आप भर लें इसी तरह से। मसाला थोड़ा सा ज़्यादा कर लें अगर ज़्यादा है तो, बैंगन मेरा बिल्कुल परफेक्ट बैठा था जो मसाला था। अब जब मसाला बच जाए, इसमें थोड़ा सा ही लगा रह गया वैसे तो, लेकिन अगर थोड़ा सा मसाला बच जाए ना, तो इसमें ये इस तरह से मिर्ची कट करके ये भी इसी के अंदर मसाले में मिक्स करके ये डाल दें। तो ये भी बहुत अच्छा टेस्ट देती हैं और अच्छा सा फ्लेवर आ जाता है। अब कढ़ाई ले लें, उसमें तेल डाल के रख लें और इन मिर्चियों को इन बैंगन के साथ ही मिला दें, ये भी साथ साथ हो जाएंगी। अब मैं 1 टीस्पून इसके अंदर ज़ीरा डाल दूंगी, ज़ीरा जितने चटकेगा इतने फिर हम ये इसके अंदर बैंगन डालना स्टार्ट कर देंगे। सारे बैंगन 1 by 1 एक एक करके सारे डाल देंगे इसके अंदर। ये बहुत आसान रेसिपी है, यूं ही बन के तैयार हो जाती है ये। मैंने सभी को इसी तरह से बैंगनों को डाल दिया, और बिल्कुल स्लो फ्लेम पे हम इसको बनाएंगे। स्लो कर दें फ्लेम को और इसको 10 मिनट के लिए बिल्कुल ढक के रख दें। आप चाहें तो थोड़ा सा पानी ऐड कर सकते हैं, मैंने भी थोड़ा सा पानी ऐड किया था इसके अंदर। बैंगन भी छोड़ते हैं वैसे तो पानी, जो मसाला था उसका थोड़ा सा मैंने ऐसे ही डाल दिया था पानी, 3-4 टेबल स्पून के करीब, और इसको ढक के स्लो फ्लेम पे रख दिया था। अभी भी इसमें कचर है, 10 मिनट बाद मैंने खोल कर देखा है तो इसके अंदर थोड़ी अभी कचर है बैंगनों में। ये थोड़े पक तो गए हैं, लेकिन अभी 5 मिनट के बाद ये परफेक्टली डन हो जाएंगे। अब इनको हिला लें, लगे नहीं बीच बीच में, तो आप चला चला के देख लें इनको। जब ये आपको लगे कि परफेक्टली कुक हो गए हैं, तो आप इनका स्लो गैस बंद कर दें, और नहीं तो फिर आप 5 मिनट के लिए और पका सकते हैं। अभी मैंने इसको हरा धनिया और गरम मसाला भी स्किप हो गया दिखाना आपको, इसके साथ ही मैंने गरम मसाला भी डाला था, और इन सब के साथ इनको मिक्स कर लें।
सर्विंग के लिए अब मैं निकालूंगी इसको। आप देख लेना कि ये कितने टाइम बाद कुक हो जाते हैं बीच बीच में। वैसे तो ये 10-15 मिनट में डन हो जाते हैं बनके। तो वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना, और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक देना मत भूलना। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।